11th क्लास, आपको हमने टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दिया था, आप आंसर भी नहीं भेजे। दूसरे दिन एक जन, तीसरे दिन दो जन, यानी कुल मिलाकर के तीन स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर बनाए हैं। ना तो आप क्वेश्चन पूछे और नहीं तो आंसर बना करके भेजे हैं। तो इस तरह से आप अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इतना समय देने से क्या फायदा। आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स ही भेज दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता मुझको नहीं लगता है। फिर भी मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन बतला रही हूँ। एक जन आप पूछे हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया का नाम और उसके महत्व को लिखें। शीतल शर्मा पूछी थी, वो क्वेश्चन का आंसर भी बनाई है, निशु भी बनाई है, लेकिन दो दिन बाद भेजी है। तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया ये है नॉस्टा और एनाबिना। इसका महत्व है पोषकों के पुनः चक्रण में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये पोषक क्या है, ये पोषक तत्व हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, लोहा इत्यादि के पुनः चक्रण में यह मुख्य भूमिका अदा करता है। आपका क्वेश्चन का आंसर यही है। और हमने दिया था भारत में बॉटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ है, तो एक हावड़ा में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और दूसरा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो इसका आंसर यही होगा। फिर एक क्वेश्चन दिए थे परपोषी बैक्टीरिया का क्या उपयोग है। परपोषी बैक्टीरिया में ना बहुत सारा बैक्टीरिया आता है, तो प्रतिजैविक के उत्पादन, इसका उपयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है, इसका उपयोग दूध से दही बनने में किया जाता है, एक राइजोबियम भी है जो दलहन कुल के पौधे की जड़ों में रहता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में काम करता है, कुछ बैक्टीरिया जो है रोगजनक भी है वो भी परपोषी है, दूसरे में निवास करता है, लेकिन यह तो उसका उपयोग नहीं है, वह तो रोग पैदा करता है। इसके अलावे आर्ची बैक्टीरिया क्या है, तो आर्ची बैक्टीरिया प्राचीन काल का बैक्टीरिया है और इसमें ना प्रतिकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल वास स्थान में भी ये भली भांति अपना जीवन यापन कर सकता है। प्लाज्मोगेमी क्या है, तो दो चल या अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म के संलयन की क्रिया जो है वह कहलाती है प्लाज्मोगेमी। न्यूरास्पोरा का क्या उपयोग है, तो जैव रासायनिक प्रक्रम में और अनुवांशिकी प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। अल्बुगु है, म्यूकर है, राइजोपस, हमने क्वेश्चन दिया था ये क्या है, तो अल्बुगु जो है वह सरसों पर पाई जाने वाली परजीवी फंजाई है, और म्यूकर राइजोपस जो है, म्यूकर और राइजोपस जो है ये रोटी पर का फंजाई है, कवक है, म्यूकर भी और राइजोपस भी। एक और क्वेश्चन था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का आधार है टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार और कोशिका भित्ति, फिर है पोषण की प्रक्रिया, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, उसके आधार पर प्लाज्मा झिल्ली के आधार पर, यही है उसका पांच किंगडम क्लासिफिकेशन का आधार।
तो मुख्य रूप से हमने आपको क्वेश्चन का आंसर बतला दिया है। अब आगे आपको पढ़ना है प्लांटी जगत के बारे में। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बतला देते हैं कि प्लांटी जगत को, पादप जगत को दो उप जगत में बांटा गया है। एक है क्रिप्टोगेमस, दूसरा है फेंडोगेमस। क्रिप्टोगेमस में वैसे पौधा को रखा गया जिसमें बीज नहीं होता, ये हुआ बीज रहित, और ये हुआ बीज सहित, जिसमें बीज होता है उसको फेंडोगेमस बोलते हैं। अब क्रिप्टोगेमस को तीन विभाग में बांट दिया गया, ये है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आप इसी को नीचे के क्लास में पढ़े होंगे, विभेदन रहित और विभेदन सहित। विभेदन रहित का अर्थ होता है कि जिसमें जड़, तना, पत्तियां अस्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखाई नहीं देता, तो वो हो गया विभेदन रहित, और जिसमें दिखाई देता है वो हुआ विभेदन सहित। यहां हम उसके आधार पर नहीं बल्कि इसको थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं होता, ये विभेदन रहित है, अस्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं देगा। तो पौधा बना कैसे? तो थैलस से ही, थैलस का अर्थ होता है ना पुष्पासन, थैलस से ही उस पौधे की शरीर की रचना हो गई है, ये है थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा में तो आपको वास्तविक जड़ होता नहीं है, लेकिन जड़ के समान ये कहलाता है मूलांग, रेजुआइड्स पाया जाता है रेशे के समान। तो ये हुआ विभेदन सहित, ये हुआ विभेदन रहित। लेकिन फिर इसको भी बांट दिया गया कि इसमें जो है यह संवहन मंडल रहित है, नहीं होता, और टेरिडोफाइटा में संवहन मंडल होता है। संवहन मंडल कहने का तात्पर्य है ये ऐसा पौधा है जिसमें जाइलम और फ्लोयम, पौधे को भोजन बनाने के लिए कुछ कच्ची सामग्री चाहिए, तो पौधे की जड़ जो है जल, खनिज, लवण को अवशोषित करता है और उसको पत्तियों तक पहुंचाता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, यह काम करता है जाइलम। और बनाए हुए पत्ती में जो भोजन तैयार किया गया उसको पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोयम। तो ब्रायोफाइटा जो है इसमें संवहन मंडल नहीं होता, यानी कि उसमें जाइलम और फ्लोयम नहीं होता, ये दोनों मिलकर के बनाता है संवहन मंडल, वास्कुलर बंडल। और टेरिडोफाइटा जो है ये पादप जगत का ये पहला पौधा आया, इसी विभाग के पौधे में वास्तविक जड़, तना, पत्तियां, जैसे ही हम पौधा कहते हैं ना तो आप ढूंढना शुरू करेंगे कि उसकी जड़ कहाँ है, तना कैसी है, पत्तियां कैसी है। तो इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्तियां होती है, मूसला जड़ भी होता है जो जमीन में सीधे नीचे की ओर वृद्धि करता है, उसकी रेशाएं फैलती भी है, ये है टेरिडोफाइटा। और इसमें जाइलम और फ्लोयम भी होता है, यानी इसमें वास्कुलर बंडल होता है। यहीं से पौधे का प्रारूप शुरू हुआ। लेकिन ये कैसा है? तो ये बीज रहित है, इसमें बीज नहीं होता। अब फेंडोगेमस में आएगा बीज वाला पौधा, तो इसको भी दो भाग विभाग में बांट दिया गया है। एक कहलाता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा कहलाता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में वे पौधे हैं जिनमें बीज तो होते हैं परंतु बीज जो है वो आवरण से घिरा नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ना नग्न बीजी या अनावृत बीजी, जिसका बीज जो है आवरण से घिरा हुआ नहीं है, ये है जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म हुआ आवृत बीजी, जिसका बीज जो है आवरण के अंदर बंद है, घिरा हुआ है,
ये है आवृत बीजी पौधा, जिसमें 9th क्लास में ना आप सरसों के पौधा का उदाहरण पढ़ी होंगी। आवृत बीजी पौधा का ना सबसे अच्छा उदाहरण सरसों का पौधा। आप देखे होंगे इस पौधे में मूसला जड़ होती है, तना भी होता है, पत्तियां भी होती है, इसमें फूल भी लगते हैं पीले रंग का फूल, और इसमें फली छिमियां होती है जिसके अंदर सरसों का दाना भरा रहता है, यानी इसका बीज जो है आवरण के अंदर बंद है, इसीलिए इसको हम लोग आवृत बीजी पौधा कहते हैं। इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है, ये भी दो तरह का होता है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। जिसके बीज में एक पत्र होते एक बीजपत्री है, गेहूं मकई एक बीजपत्री है, और दलहन कुल का जितना पौधा है सरसों भी द्विबीजपत्री है, चना मसूर मूंग ये सब जो है द्विबीजपत्री होता है, इसके बीज में ना दो बीजपत्र होते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्लास में आप थैलोफाइटा से शुरू करेंगे पढ़ने।